प्रदेश में एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारी को एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने नार्कोटिक्स विभाग के एसपी सुधीर यादव को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीजे आलोक त्रिपाठी ने बताया कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारी इस अफीम खेती की जमीन की नप्ती की एवज में काश्तकारों से रकून वसूल करते हैं और उन्हें नियमों के तहत पैदावारी में फायदा पहुंचाते हैं। वहीं पर सुधीर यादव ने पास में 15 बाल्टियों में रखी ब्राउन शुगर बरामद की गई, साथ में 84,000 नकद 13 लाख बैंक खातों में होना पाया गया है। नार्कोटिक्स विभाग के भानु प्रताप सिंह इसमें लिप्त थे। जानकारी मिली थी कि इस पर भानु प्रताप सिंह को एसीबी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। रघुवीर सिंह के पास में 7 खातों में 72 लाख रुपए की राशि, खुद पत्नी के नाम, फ्लैट प्लॉट के कागजात मिले हैं। वहीं पर काश्तकार पर विभाग के अधिकारियों के बीच में छकनलाल दलाली का कार्य करता था, जिस पर छकनलाल और काश्तकार किशन को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। छकनलाल के पास से 22 लाख नकदी 125 बोरे में रखी अफीम मिली है। आलोक त्रिपाठी ने बताया कि फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो मुखिया का काम और दलाली का काम कर रहे थे, उनके निवास के की तलाशी में 14 बाल्टियों में रखा हुआ करीबन 125 किलो अफीम बरामद हुआ है। 66 बोरों में डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। 16 बोरों में पोस्ट दाना बरामद हुआ है। 4 अवैध हथियार मिले हैं, जिसमें एक डबल बैरल मजल लोडिंग गन है, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, 2 देशी कट्टे हैं और 3 कारतूस। इसमें पिस्टल जो थी वो लोडेड थी। इनके पास लगभग 22,95,000। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।